गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन मेरे साथ। और आज है सैटरडे और पार्थू देख रहे हैं वहाँ पे टीवी, एंड मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि आज पार्थू घर पे है, तो दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने वाला है। तो मुझे शेड्यूल भी तय हो चुका है कि क्या करना है। तो पहले हम नाश्ता करेंगे, मैं नहा के आती हूँ, पार्थ को नहला दिया ऑलरेडी, तो पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं और पार्थ एक वीडियो शूट करेंगे आप लोगों के लिए। देन उसके बाद मैं पार्थ के संग फिर से थोड़ा खाना पीना खेलेंगे कूदेंगे, और उसके बाद मैं उसको सुला के लाइव आऊँगी आप लोगों के संग। देन उसके बाद शाम को मैं जाऊँगी उसको लेके मॉल। तो पूरा शेड्यूल तय है, और आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे इतना सा तो काम है और दीदी ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही, ये इतना सा काम नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि पता ही है गृहणियों को, सबको पता है कि टाइम कैसे निकल जाता है, जब बच्चे घर पर होते हैं तो पता नहीं लगता है। तो ये देखिए पार्थ ऑलरेडी पढ़ के जा रहा था। तो ये देखिए छोटी छोटी सी बुक्स, मैंने ये जब 3 महीने का था तभी मंगाई थी ये सारी बुक्स, आप देख पा रहे होंगे। तो सब ऐसे मंगा के रख सकते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए। तो चलिए मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो बाय। सो गाइस, मैं जब जा रही थी नहाने तो मुझे याद आया कि कयाई लाई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी प्लीज़ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए, स्किन केयर के बारे में बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ आजकल। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, पर एक चीज़ है जो मैं बहुत यूज़ करती थी पहले, और उससे मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो मैं दोबारा आई हूँ और कैमरा ऑन किया है आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी मेरे बालों के लिए पूछते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, तो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मैंने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई है अभी फैब में। तो मैं करती हूँ उसके लिए सिर्फ यही वाला शैम्पू होता है, लॉरियल का प्रोफेशनल हेयर एक्सटेंशन वाला, ये वाला शैम्पू होता है, और ये होता है हेयर मास्क। तो ये इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये है 530 का, तो 530 रुपये का ये है, और इसका प्राइस है 630, तो 630 का ये है, तो ऑलमोस्ट 1100 रुपये के ये मुझे पड़ते हैं। तो ये 2 महीने चल जाते हैं मेरे इजीली, 1.5-2 महीने चल जाते हैं। तो सिर के लिए तो मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ बालों के लिए, क्योंकि बाल फिर एकदम से फ्रिजी हो जाएंगे अगर मैं इनको यूज़ नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने एक दो बार दूसरे शैम्पू यूज़ करके देखे स्ट्रेटनिंग के बाद, तो मेरे बाल बहुत ख़राब लग रहे थे, तो यही यूज़ करने पड़ते हैं। और साबुन में मुझे बहुत पसंद है पियर साबुन, तो मैं ये वाले साबुन ही लेती हूँ हमेशा। और फेस के लिए आप लोग पूछ रहे थे तो कि कौन सा आप लोग दीदी फेस वॉश यूज़ करते हैं, स्किन केयर बताइए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो किसी को अगर याद होगा तो अनूप ने मेरे एनिवर्सरी में मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट भेजे थे, तो उसी में भेजा था एक ये प्लम का फेस वॉश, और ये मुझे अच्छा लगा। बट इतना भी अच्छा लगा, ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बट मुझे समझ नहीं आता कि डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया इसमें और इसमें। तो ये वाला जब अनूप थे ये तब का पड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि अभी अनूप को गए हुए 2 महीने हो चुके हैं आई थिंक यहाँ से, तब भी ये भी पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ, मैं साबुन भी नहीं लगाती मुँह में, और मैं फेस वॉश भी बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, जब मेकअप किया होता है तभी रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो इसकी मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगी कि व्हेन आई वाज इन 10th, तो मेरे पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकल गए थे, पिंपल भी ऐसे वाले कि मैं आपको बता नहीं सकती, जिसमें पस होती है। तो मैं गिनती थी कि 20-25 यहाँ थे, 20-25 यहाँ थे, तो 40 और 50 के करीब मेरे फेस पे पिंपल हो गए थे, और सब मेरा फेस देखते थे तो कहते थे ओ माय गॉड इसको क्या हो गया, ये इसका चेहरा ख़राब हो जाएगा, पूरा दाग पड़ जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि आप सोच लीजिए 15-16 साल की लड़की के मुँह में अगर इतने पिम्पल्स हो जाएँ तो कैसा लगता होगा। तो मेरी भाभी ने कहीं से पता करके, जो देहरादून में आपने देखी है भाभी पकोड़े तल रही थी होली वाले ब्लॉग में, उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा कि तुम नीम का ये हर्बल वाला कोई यूज़ करता है ये लेके आओ, और इसकी ही एक नी पिंपल एक क्रीम थी, अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो यूज़ करो। तो इससे मैंने फेस वॉश किया था और वो क्रीम मैं लगाती थी, और आप देख सकते हैं मेरे फेस में एक भी दाग नहीं है और एक भी निशान भी नहीं है मेरे फेस में। तो इतना मिरेकल किया था इसने, तो तब से मुझे ये बेहद पसंद है। और अगर फेस वॉश कोई कहेगा मुझे कि सजेस्ट करूं, तो मैं कहूँगी कि अगर आपके फेस में पिंपल नहीं भी हैं तो आप हिमालय का ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है, बहुत महंगा भी नहीं है, 120 रुपये का है, देखिए इतना बड़ा है, और ये वाला काफ़ी महंगा है, थी ये वाला कुछ 300 रुपये तक का था आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे है
नहीं मुझे इसका प्राइस नहीं दिख रहा, ये वाला काफ़ी महंगा है, मुझे समझ नहीं आता, मतलब अच्छा है बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये 120 का है बट मुझे ये बहुत पसंद है, और इसने मेरे फेस पे देख सकते हैं आप कोई दाग वाग नहीं, ये तो तिल है तो कोई दाग वाग नहीं छोड़े, तो ये बेस्ट है, आप ये मंगाइए, ये तो किसी भी उसमें मिल जाता है। और क्रीम मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो मैं जो मिलता है वो लगा लेती हूँ, बट ऐसे भी नहीं कि लोकल लगा लेती हूँ, तो कभी नीविया कभी पॉन्ड्स कुछ भी मैं लगाती हूँ। जैसे अनुप ने मुझे काया का भेजा था तो वो पिंपल वाला था, जो उन्होंने सेट मुझे भेजा था तो वो पिंपल वाला था, और मैं आपको ये बता दूं कि वो रिटर्न भी नहीं होता है, नो एक्सचेंज में था वो, तो वो रिटर्न भी हम नहीं कर पाए, तो मैं फंस गई, मैंने बोला कि मैं क्या करूँगी इसका, तो लकीली शालिनी ने बोला कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ कुछ बताओ, तो मैंने बोला ये वाला तुम ले लो, तो ये मैंने उसको दिया, तो उसने मुझे फिर ओले का ये डे एंड नाइट वाला क्रीम मंगा के दिया। ये 1000 रुपीज़ में आई थिंक दोनों हैं, ये दिन में लगाया जाता है ये रात को, और ओले है तो अच्छी तो है, तो ये काफ़ी अच्छी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं मंगाने वाली शायद, और शायद मंगा भी सकती हूँ, तो क्रीम में ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो चलिए होगी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, और अब मैं फाइनली जा रही हूँ नहाने, और भजन लग रहे हैं वहाँ पे, आई एम सॉरी अगर तेज़ हो रहा है तो, थोड़ी सी आवाज़ कम करके आती हूँ। हाँ, तो भजन लग रहे थे वहाँ पे, आई एम सॉरी बहुत तेज़ आवाज़ हो गई थी, लाउड हो रही थी आवाज़, तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ नहाने, और अब हम मिलेंगे मॉल में जाके पार्थू के संग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये भी आई थिंक 10 to 12 मिनट की बनी जाएगी, तो फटाफट से मिलेंगे वहाँ पे हम लोग मॉल में आपसे, और करेंगे कुछ फ़न पार्ट के साथ, होप कुछ फ़न हो, क्योंकि बच्चों को अकेले हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो देखती हूँ मैं हैंडल कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती पार्ट को। वैसे वो टॉय बॉय तो नहीं मांगता मुझसे, क्योंकि मैं दिलाने ही नहीं वाली, ऑलरेडी बहुत सारे टॉय दिलाती हैं, तो पहले ही घर से रेडी करके जाती हूँ कि टॉय मत मांगना मुझसे, जो खाना है वो खिला दूँगी। और वैसे उसने मुझसे कहा है कि मम्मा मुझे छोले मटूरे खाने हैं, वो भटूरे को कहता है मटूरे, तो पता नहीं उसको कहाँ से चस्का लग गया, एक बार अनुप ने खाया था एक बार मम्मी ने खाया था तो उसको बहुत पसंद आए, तो कहता है मम्मा मेरे को छोले मटूरे खाने हैं, तो छोले मटूरे तो मैं उसको बिल्कुल नहीं खिलाने वाली, मैं क्या करती हूँ मेन्यू कार्ड में उसको जो चीज़ मुझे नहीं खिलानी होती मैं मेन्यू कार्ड में दिखा देती हूँ, उसके तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं जो मुझे मंगाना होता है वो मंगा देती हूँ, क्योंकि फिर वो दो भटूरे खा जाएगा और वो इतने चूहे होते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते भटूरे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आई लव आलू पूरी और बेदमी पूरी मेरी फेवरेट है, तो मैं पक्का उसको वही खिलाऊंगी, बट मैं छोले मटूरे नहीं खिलाने वाली। तो चलिए मिलते हैं अब हम उसके संग मॉल में। और मैं आ गई हूँ पार्थू को लेके मॉल, तो अभी लाइव आए थे आपके साथ और अब आ गए हैं हम मॉल में, और हम पार्थू को क्या खिलाने ले जा रहे हैं, क्या क्या खाओगे, तो उसकी पार्थू को खाना है गंदा सा छोले मटूरे, मटूरे खाना है मटूरे, चलो Thank you.
तो आज मॉल माने और हमने डिसाइड किया कि बाहर खाना खाएंगे। तो मैं पार्थिव को बर्गर पकड़ बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ, मैं उसको आलू पूरी खिला देती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है उससे, क्योंकि थोड़ा अनहेल्दी होता है वो, मुझे थोड़ा अजीब लगता है खिलाना, तो मैं ये खिला देती हूँ। मैंने डरा दिया है पार्थिव को कि बर्गर पिज्ज़ा अच्छा नहीं होता है, वो मानता भी इस बात को, तो बिल्कुल नहीं खाएगा, है ना। अब खाने से क्या होता है और इट्स हेल्दी और अनहेल्दी, बर्गर पिज्ज़ा हेल्दी कैसे होता है वो, इट्स अनहेल्दी। सो गाइज, नाइट नाइट हो गई है और पार्थू मुझे स्टोरी सुनाने जा रहा है, नाइट टाइम स्टोरी। तो मैंने सोचा आप सबको भी सुना दूँ, बुक दिखा दूँ, बुक दिखा दूँ मम्मा को। तो ये बुक है पार्थू की और पार्थू मुझे स्टोरी सुनाने जा रहा है। ओके, तो सब लोग ध्यान से सुनना कौन सी कहानी है। चलो सुनाओ। मैं सुनाता हूँ, फिर मुझे नींद आ जाएगी। भगवान जी बोले कि मेरे को लड्डू खाना है, मेरे को भूख लगी है, तो बिशनोद को लड्डू दे दिया। फिर तो फिर क्या होया एक दिन क्या होया जब वो छोड़ रहा था तो उसको, और फिर एक दिन कहाँ लिखा है ये मुझे दिखाओ तो सही, लिखा कहाँ है ये सब चीज़, यहाँ लिखा है, उंगली तो लगाओ पढ़ के तो बताओ। जी, एक ये लड़की कूद गई तो रात में ऐसी लड़की गई, तो फिर क्या होया तो फिर गाड़ी उसका छन हो गया। उसके बाद क्या होया तो फिर ना मॉर्निंग हो गई फिर ऐसी अंधेरा होया मॉर्निंग होके, तो एक दिन क्या होया तो फिर ना वो आराम से ना चोर उसका बैग उसने पकड़ लिया। क्या होया फिर क्या होया तो वो स्कूल जा रहा था, जाते जाते उसका बैग ना वो कुछ खा लिया, तो वो लड़की को क्या होया तो मैडम को क्या होया भाई, होया ही तो होया, ये होया ही नहीं खत्म होया। किसी से पूछूं ऐसा क्यों बेजुबाशा, बता भी यहाँ है जाने की दिल ने खुशी के पर कहाँ ढूंढू बेनिशाशा, बता भी यहाँ है जाने की दिल ने लोगों पे ले जिंदगी से फासले ले हैं, बस आँखों में बकेर पूछूं क्यों बेबी दी दुआ ओ जाके आसमां, थलू टकरा गई या गई लौट के हल तो बेबी दी दुआ ओ जाके आसमां, थलू टकरा गई या गई लौट के हल। ये सॉन्ग इस बुक में लिखा है क्या जानू? तू बेबी चल कहाँ ढूंढू बेनिशाशा, बतबी यहाँ है। हाय गाइस, आपको मेरा सॉन्ग अच्छा लगा? ये वो लड़की वाली तो बॉयज नहीं गा सकते, ये बॉयज नहीं गा सकते, नहीं ये गर्ल्स गाती हैं, तो फिर आपने क्यों गाया? हाय गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फनी बॉय।